हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किफ़ायती दामों में गरीबों की सेवा कर रहे थे, उसी तरह से आगे ढाका को मौका मिलेगा। ये सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो हम नहीं समझते कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। और नीडो हॉस्पिटल का प्रचार हो गया, फिर से जगह चेंज होने का भी प्रचार हो गया है, इसलिए मरीज को आने में भी कोई दिक्कत। यहाँ पे जो ढाका के हिसाब से होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया होनी चाहिए, वो सारे हम देते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर से नॉर्मल डिलीवरीज के लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से 8-10 डॉक्टर हैं जो सेवा देते हैं। जिनकी ज़रूरत होती है उनको कंसल्टेंट के लिए हम बुलाते हैं। हो गई बच्चे कंसीव नहीं करना, या बहुत सारे हैं जो बच्चे कंसीव कर करके 1-2 महीने पे बच्चे रुकते नहीं हैं। हमारे यहाँ गरीब के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है, और गरीब मरीज़ आप कहीं से भी, अगर आपको भी नॉलेज में आता है तो उसको आप भेजिए। आइडेंटिफाई होता है कि गरीब है, उसके इलाज किफ़ायती से किफ़ायती दामों में, यहाँ तक के फ्री भी, जो ज़रूरत है तो फ्री भी करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो साफ़ सफाई का बिल्कुल बेहतरीन इंतजाम है, जो भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल होता है, बायोकेमिकल का जो रूल है, जो एक हेल्थ सेक्टर को, जो मतलब हॉस्पिटल को फॉलो करना चाहिए, उसका फॉलो करते हैं। क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिखा आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है, और हॉस्पिटल से हर तरह से इस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो यहाँ सुविधा बहुत अच्छा है, आप देखे हो, ये अंदर भी घूम करके बहुत अच्छा सुविधा है। डॉक्टर भी अच्छे हैं, लेडीज डॉक्टर भी अच्छी हैं। मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है महिला ज़्यादातर, तो उनका जो भी हो PCOD हो जाता है, PID हुआ, सर्विसाइटिस हो गया, और इरेगुलर पीरियड, ये सब तो आम बात है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पहले अच्छे से पेशेंट को सब जांच वाँच करवा के कि नॉर्मल करे, अगर कुछ वैसा कॉम्प्लिकेशन आता है तभी जाके हम लोग ऑपरेट करते हैं, नहीं तो पूरी नॉर्मल हम लोग करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़, और मैं हूं समीउल्ला चंपारनी। फिर से ढाका में है, और ये देखिए पकड़ी दयाल रोड है, और नीडो हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया है। आपको पता है कि नीडो हॉस्पिटल ऑलरेडी ढाका में चल रहा है, लेकिन इसका स्थान स्थानांतरण कर दिया गया है, जगह बदल दिया गया है, अब ये पकड़ी दयाल रोड में आ गया है। वही उत्साह है, वही जोश है, वही सिस्टम है, और वही सेवाएँ हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी बीच इम्तियाज़ अख्तर है, देख सकते हैं, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष है और भावी सभापति प्रत्याशी हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, आए हैं बधाई देने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद है इस नीडो हॉस्पिटल के डायरेक्टर इंजीनियर तारिक जफर साहब, इंजीनियर हामिद जफर साहब को, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किफ़ायती दामों में गरीबों की सेवा कर रहे थे, उसी तरह से आगे ढाका को मौका मिलेगा इनको ढाका का सेवा करने का। क्या लगता है जगह बदलाव के कारण कुछ पेशेंट इधर उधर भी हो सकते हैं? नहीं, हम समझते हैं कि नीडो हॉस्पिटल ब्रांड है ढाका के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट तो समझ जाएंगे कि हम पता करेंगे, जब पिछली जगह पर जाएंगे तो पता करेंगे, जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल कहाँ चला गया। कम्युनिकेशन का इतना वो है, मोबाइल नंबर वगैरह लोग के पास होता है, सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो हम नहीं समझते कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। देखिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ हैं, ये उद्घाटन में आए हैं, इनॉग्रेशन में आए हैं, यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का तो फैसिलिटी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा, या जगह भी बहुत बड़ा मिल गया, इसलिए मरीज को रहने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। और नीडो हॉस्पिटल का प्रचार हो गया, फिर से जगह चेंज होने का भी प्रचार हो गया है, इसलिए मरीज को आने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गरीबों के लिए बहुत ही कम किफ़ायती दर पर भी इलाज हो जाता है, बाकी जगह नहीं हो पाता है। नाम बताते चलिए, ये मास्टर सईदुल हक गुआबारी। अच्छा, गुआबारी के हैं जी। जी, कब से जानते हैं नीडो हॉस्पिटल को? हम लोग तो जब से शुरुआत हुआ था 2020, जब से जानते हैं, उससे पहले से इन लोगों से जान पहचान अच्छा है। देखिए, नीडो हॉस्पिटल के डायरेक्टर तारिक जफर हमारे साथ हैं, अब इनसे हम बात करेंगे क्या कुछ सेवा लेकर के आ रहे हैं, क्या स्पेशलाइजेशन उन्होंने बढ़ाया है, क्या कुछ सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो नए इनॉग्रेशन के लिए, नए उद्घाटन के लिए मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप यहाँ आए और साथ में अपना कीमती वक्त दिया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्टर साहब, ये बताइए क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप यहाँ ढाका में? यहाँ पे जो ढाका के हिसाब से होनी चाहिए, जो फैसिलिटीज़ यहाँ मुहैया होनी चाहिए, वो सारे हम देते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर से नॉर्मल डिलीवरीज के लिए बहुत लोग अप्रोच करते हैं, और ज़्यादातर लोग आते हैं,
क्योंकि हम मैं नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है ढाका में और जगह से भी आप देख सकते हैं। साथ में किसी भी तरह के इमरजेंसी हो या कोई भी ओपीडी का मरीज़ हो उस तब तरह का स्त्री रोग विशेषज्ञ भी यहाँ हैं और जनरल फिजिशियन है हमारे यहाँ और लोग भी आते हैं, हर तरह के माहिरीन आते हैं, हर तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं, वो सब अपनी सेवा देते हैं। अच्छा बताइए कितने डॉक्टर यहाँ सेवा दे रहे हैं आपके हॉस्पिटल में? अभी हमारे यहाँ ज़रूरत के हिसाब से 8-10 डॉक्टर हैं जो सेवा देते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है उनको कंसल्टेंट के लिए हम बुलाते हैं और वो अपने स्पेशलाइजेशन जो है उसमें, सपोज़ कीजिए किसी के हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिर वैसे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ वो आते हैं देखते हैं, कोई ऐसे पेशेंट है जो पैरलाइज्ड है फिर उसके लिए वैसे जो स्पेशलिस्ट है उसको हम बुलाते हैं, अगर गायनी पेशेंट है जो खासतौर से औरतों की जो बीमारियां हैं या डिलीवरी है तो उसके लिए हमारे यहाँ अलग शोभा है और उसको सिर्फ यहाँ पे महिला डॉक्टर है जो देखती हैं। स्त्री संबंधी बीमारियां एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, अच्छे डॉक्टर की तलाश ढाका वाले करते हैं, तो आपके यहाँ कौन लेडीज डॉक्टर यहाँ सेवा दे रही है? यह हमारे यहाँ बुशरा जफर है जो रेगुलर सेवा देती हैं और यहाँ पर जिस किसी भी तरह की जो स्त्री से संबंधित कोई भी बीमारी हो या डिलीवरी हो या फिर कोई भी ऐसी पेचीदा बीमारी हो जिससे प्रॉब्लम होती है, जैसे बाजपन का शिकार हो गई, बच्चे कंसीव नहीं करना, या बहुत सारे हैं जो बच्चे कंसीव कर करके एक महीने दो महीने पे बच्चे रुकते नहीं हैं, या फिर दूसरे ये हैं कि बहुत दिन 10 साल हो गए हैं शादी के और उसका जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उन सारे चीज़ों के लिए वो देखती हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है और सब काफ़ी जुड़े हैं और काफ़ी प्रशंसा भी किए हैं हॉस्पिटल में। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये गरीब मरीजों के लिए क्या कुछ विकल्प है आपके पास? हमारे यहाँ गरीब के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है और गरीब मरीज़ आप कहीं से भी अगर आपको भी नॉलेज में आता है तो उसको आप भेजिए, आइडेंटिफाई होता है कि गरीब है, उसके इलाज किफ़ायती से किफ़ायती दामों में, यहाँ तक के फ्री भी जो ज़रूरत है तो फ्री भी करता हूँ। बहुत सारे हैं जो कम से कम खर्च पे दवा के रेट पे भी, या बहुत ऐसे हैं जो चंदा पे गुजारा करने वाले, तो उनको वैसे भी को फ्री भी इलाज किया जाता है, इसलिए ये गेट हमेशा हमारा दरवाज़ा हॉस्पिटल का हमेशा से खुला रहा है गरीबों के लिए और खुला रहेगा इंशाल्लाह। 24 घंटे इमरजेंसी भी सेवा है आपके यहाँ? हाँ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा शुरू से रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा इंशाल्लाह। इंजीनियर हामिद जफर हैं जो डॉक्टर साहब के ब्रदर हैं, भाई हैं, बिल्कुल लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जो भी लोग आ रहे हैं उनके तहे दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे हॉस्पिटल पर बात करेंगे? सबसे पहले तो नए इनॉग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमारे इस इनॉग्रेशन को कवर करने के लिए आए, और दूसरी बात है कि नीडो हॉस्पिटल ये दूसरी जगह था और वहाँ से हमने इसको यहाँ लाए हैं पकड़ी द्वाल रोड में, और जो फैसिलिटी जो पहले से था वही फैसिलिटी यहाँ पे दिया जा रहा है, दिया जाएगा, और इसमें कुछ हम बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि नई जगह है, नई चीज़ें, क्योंकि हम दो लगातार कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं तो उसमें कोई हम रिफॉर्म करेंगे, जो भी चीज़ें हैं ढाका में जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उन चीज़ों को नया ऐड करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को आगे न जाने की ज़रूरत पड़े, कोई इमरजेंसी सेवा हो इसके लिए हमारा इमरजेंसी सेवा 24 आवर अवेलेबल रहता है, आप किसी भी वक्त यहाँ आएँ उसके बाद आपको इमरजेंसी सेवा हो, चाहे किसी भी तरह की कोई परेशानियाँ हो, बीमारी हो किसी भी तरह का, खास तौर से लेडीज से नॉर्मल डिलीवरी का हो, ऑपरेशन का हो, जो भी हो या इमरजेंसी हो, ओपीडी हो, सारे तरह का यहाँ पे इलाज किया जाता है। किसी अक्सर हॉस्पिटल में देखा गया है कि रख रखाव ठीक ठाक नहीं है, सफाई नहीं रहता है, वातावरण दूषित होता है, ऐसे में मरीजों को काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ इंतजाम किया गया है? देखिए हमारे यहाँ पे जो साफ़ सफाई का बिल्कुल बेहतरीन इंतजाम है, जो भी सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल होता है, बायोकेमिकल का जो रूल है, जो एक हेल्थ सेक्टर को जो मतलब हॉस्पिटल को फॉलो करना चाहिए उसका फॉलो करते हैं, उसका एक क्राइटेरिया बना होता है कि किस तरह का जो भी वेस्ट है बायोकेमिकल वेस्ट, जो जिस तरह का डब्बा होता है, कई तरह के 3-4 तरह के डब्बे होते हैं कि किस वेस्ट को हजार्डियस है, कौन नॉन हजार्डियस है, किसको इन्फेक्शन फैलाने वाला है या किसे, जो उसके हिसाब से उस तरह से रखा जाता है और फिर जो यहाँ गाड़ियाँ आती हैं बायोकेमिकल वाले वो यहाँ से ले जाते हैं जो भी वेस्ट वगैरह हो, तो कोई भी नहीं उस तरह कोई परेशानियाँ नहीं है वेस्ट, ताकि लोगों को जो पेशेंट हो उसको आसानी मिले। कि ऐसा होता देखा ये जाता है कि भाई यहाँ पे ये हॉस्पिटल है लेकिन हम बगल में ही कचरा फेंक देते हैं, हॉस्पिटल भी हमारा साफ़ सफाई नहीं है, तो यहाँ साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है दिन सुबह से शाम तक, मतलब किसी भी तरह का सुबह भी शाम भी हर टाइम, अगर बीच में ज़रूरत पड़े तो बीच में भी सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। बायोकेमिकल वेस्ट ज़्यादा होता है जो काफ़ी हजार्डियस होता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो उनका बेहतर उपाय किया जाता है और उसको डिस्पोज किया जाता है जो प्रॉपर तरीका है। क्या नाम है? दिनेश कुमार, अधिवक्ता। अच्छा, अधिवक्ता है, कहाँ पे जॉब हो रहा है अभी, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? व्यवहार न्यायालय सिकरहना ढाका। सिकरहना ढाका में है, हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए हैं, इनॉग्रेशन में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है।
लगता है कि ढाका में अच्छे हॉस्पिटल की तलाश है, लोगों को अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत है? हाँ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरी है और ये अच्छा भी हॉस्पिटल है। क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिखा आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी है और हॉस्पिटल से हर तरह से इस हॉस्पिटल का बहुत अच्छा व्यवस्था है। मरीज को हर तरह से सुचारू रूप से उपचार किया जाता है, समय समय से सब चीज़ व्यवस्था यहाँ दिया जाता है। देखिए, जदयू MLC डॉक्टर खालिद अनवर के प्रतिनिधि आफ्ताब साहब भी पहुँच गए हैं, मिठाई उठाई ज़बरदस्त तरीके से खाए हैं यहाँ पर। ये बताइए, यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसा लगा आप? बहुत अच्छा फैसिलिटी है, हर तरह की सुविधा है और पूर्व से ही चूँकि ये निजी हॉस्पिटल संचालित होते आ रहा है, सिर्फ जगह का स्थानांतरण किया गया है, यानी जगह परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ सुविधा बहुत अच्छा है। आप देखते होइएगा अंदर भी घूम करके, बहुत अच्छा सुविधा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, लेडीज़ डॉक्टर भी अच्छी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सस्ता और इलाज यहाँ किया जाता है और गरीब या मजलूम लोग हैं उनको फ्री भी सेवा भी दिया जाता है। देखिए, नीडो हॉस्पिटल की लेडीज़ डॉक्टर डॉक्टर बुशरा सफ़र यहाँ पर सेवा दे रही हैं, बात करेंगे इनसे। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि लेडीज़ में कौन कौन सी बीमारी आमतौर पर पाया जाता है? लेडीज़ में आमतौर पे मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती है महिला ज़्यादातर, तो उनका जो भी हो PCOD हो जाता है, PID हुआ, सर्विसाइटिस हो गया और इरेगुलर पीरियड, ये सब तो आम बात है। उससे महिला लोग एनेमिक हो जाती है जिससे वो ज़्यादातर वीकनेस कमज़ोर होती है, तो यही सब बस हाइजीन मेंटेन करना होता है महिला लोग को, जो हम लोग आमतौर पर कर नहीं पाते हैं। मैम, आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद लोग ऑपरेशन कर देते हैं, इसलिए मरीज अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से कतरा रहे हैं, यहाँ पर क्या कुछ इंतज़ाम है आपका? यहाँ पे ये है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पहले अच्छे से पेशेंट को सब जांच वाच करवा के कि नॉर्मल करें, अगर कुछ वैसा कॉम्प्लिकेशन आता है तभी जाके हम लोग ऑपरेट करते हैं, नहीं तो पूरी नॉर्मल हम लोग करवाते हैं। क्या क्या सुविधाएं हैं लेडीज़ के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं लेडीज़ के लिए, जो प्रॉब्लम आते हैं सबके लिए सुविधा है यहाँ पे। वो स्मार्ट लाइफ तभी होगा जब स्मार्ट आपका स्वास्थ्य होगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कदम एक नीडो हॉस्पिटल का कहा जा सकता है। कई वर्षों से ये सेवा दे रहे हैं और इस बार जो है इनका जगह स्थानांतरण हुआ है, ये जगह चेंज कर दिए हैं, अब ये पकड़ी दिया लोड में आ गए हैं और नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नई फैसिलिटीज़ के साथ, तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए HTV न्यूज़ के साथ। अगर आप फेसबुक पर हैं तो HTV News 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्ला चंपाणी।